नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास दो पढ़ा था। इस वीडियो में हम प्रश्नावली दो गणित कक्षा पाँच जोड़ घटाव का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न हल कीजिए। जोड़ का एक सवाल दिया हुआ है 2942, उसमें 1056 जोड़ना है। दो में 6 जोड़ा 8, दूसरी लाइन को जोड़ेंगे इसमें कोई हासिल नहीं थी। 4 में 5 जोड़ा 9, इसमें भी कोई हासिल नहीं है। इसके बाद इस पंक्ति का योग 9 तो 1, बहुत ही आसान था। पहला प्रश्न हल हो गया है। इसमें इस सवाल में ये घटाव का निशान लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा है हल कीजिए। यहाँ आपको चिन्ह देख करके ही हल करना है, जोड़ करना है या घटाव करना है, इसका निर्धारण इस चिन्ह से होगा। तो इसके अनुसार हम ये घटाव का सवाल करने वाले हैं। तो जीरो में से दो नहीं जाता, तो यहाँ से हासिल आगे जाएगी तो ये 4 है। इससे आगे हासिल चलेगी तो ये 10 हो गया, और ये इससे आगे चलेगी तो ये 9 रहेगी, और इस समय ये 10 हो गया। यहाँ से वैसे लगे गई तो ये भी 9 रह गया और ये 10 हो गया। इस प्रकार से सभी हासिलों का हमने ऊपर सॉल्यूशन लिख दिया है। इसको हल करेंगे, 10 में से 2 गया 8, इधर 9 में से 5 गया 4, और फिर से 9 में से 5 गया 4। अब केवल घटना है, जो हासिलें जो कार्य करने वाली थी वो सारे कार्य हमने पहले ही कर दिए हैं। तो 4 में से 2 गया। इस प्रकार से ये घटाव का सवाल पूर्ण हो गया। अब ये जो जोड़ और घटाव के सामान्य सवाल थे, अब थोड़ा सा और इसको इस प्रकार से लिखा है, कोई चिन्ह भी नहीं बताया, ऊपर जोड़िए लिखा है, और संख्याओं में संख्या के नीचे इकाई, के नीचे इकाई रखना, ढाई के नीचे ढाई रखना, ये सब जानकारी अगर हम होगी तो हम इस सवाल को हल कर पाएंगे। अगले प्रश्नों के अंदर भी ये जोड़िए कह रहा है, लेकिन पहले प्रश्न से ये भिन्न है। इसमें पहले प्रश्न में हम पहली संख्या को लिखेंगे 8725, यहाँ पर हमने लिखा 8725, और इसके नीचे 907 को लिखेंगे तो ये हमने 907 लिखा है। लेकिन यहाँ पर कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं है, लेकिन इसने कहा है कि जोड़िए, इसलिए हम यहाँ शून्य लगा देंगे और यहाँ जोड़ का निशान। अब इस सवाल को हम हल करेंगे, जोड़ का सवाल। यहाँ विशेष बात क्या है कि हमने संख्या के नीचे संख्या किस प्रकार से रखी, तो 5 में 7 को जोड़ा 12, 2 एक हासिल हमें प्राप्त हुई है, 2 और 1 3, ये हमने 3 लिखा। अगली पंक्ति में 7 और 9 को जोड़ना है, 16 हो गया, 16 का 6 एक हासिल अगले स्थान पर। यहाँ पर जोड़ने पर कोई हासिल नहीं प्राप्त हुई, 8 और 1 9, और ये प्रश्न हमारा पूरा हल हो गया। तो ये जोड़ का सवाल था, इसमें दो ही संख्या थी, अब तीन संख्या हो तो क्या करना, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, इन सब में ये प्लस हो जाएगा। इसमें 5113, इसके आगे मैं लिख रहा हूँ 5113, और दूसरी संख्या है 1999, इसके नीचे लिखा मैंने 1999। इसमें इकाई के नीचे इकाई, ढाई के नीचे ढाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार होना चाहिए, कहीं डबल अंक नहीं होना चाहिए। और 638, अब यहाँ पे हजार का अंक नहीं, तो सैकड़े से शुरू करेंगे 638, जो स्थान खाली है वहाँ हमने शून्य लगाया, और इस सवाल को हल करने के लिए मैंने ये दो लाइनें खींच दी। ये सवाल यहाँ जोड़िए लिखा हुआ है, इसलिए हमें ये जोड़ का सवाल करना है। जितनी संख्या है उसके हिसाब से उनके मध्य में प्लस लग जाए, कि दो प्लस के निशान लगाए। इसको और आगे हल करते हैं, तो 3 और 9 को जोड़ा 12, 12 में 8 को जोड़ा तो 20, 20 का 0 और 2 हासिल अगले अंक के ऊपर कर गए, 2 और 1 3 और 9 और 3 12, 12 में 3 को जोड़ा 15, 15 में ये 5 आ गया, एक हासिल अगले अंक के ऊपर लगाया, 1 और 1 2, 9 और 2 11, 11 में 6 को जोड़ा तो 17, 17 का 7 और 1 हासिल अगले अंक पर लगाया।
पांच और एक छह, छह और एक सात, मतलब तुमने ये सात लिखा, ये दोनों जोड़ के सवाल हो गए। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है घटाइए, घटाओं में दो ही अंक हुआ करते, तो दो अंकों को घटन है, दो ही संख्याएं हैं उनको घटन। तो इसमें पहला जो सवाल है उसमें 3944, 3944, और इसके बाद में दूसरी संख्या है 840, में से 840 घटन घटाइए बोले, घटाइए घटा पर सवाल 840। हम यहाँ सैकड़ा के नीचे से लिखना शुरू करेंगे, जो स्थान खाली है वहाँ सुनने लगेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर घटाओं का निशान लगा देंगे और घटेंगे, तो चार में से जीरो हो गया, चार ही बचा, चार में से चार गया शून्य, क्योंकि कहीं भी हासिल की जरूरत नहीं पड़ रही है। नौ में से आठ गया, एक बचा और तीन का तीन, ये थोड़ा सरल सवाल था जिसमें हासिल की जरूरत होगी। इस प्रकार का सवाल अगला आ रहा है उसको हम हल करेंगे। यहाँ 6000 में से 4999 घटन है, तो पहली संख्या 6000 को हम यहाँ लिख लें 6000, और दूसरी संख्या 4999 इसके नीचे लिखेंगे 4999। इसने कहा है मैं से घटाइए बोला, इसलिए घटाओ का निशान यहाँ पर लगे। इस प्रकार से ये भी घटाओ का सवाल है, यहाँ पर जीरो में से नौ नहीं जाता अगले से लेंगे, तो इसके बाद इस तरह से ये लास्ट में 6 से एक हासिल उधर चली गई, यहाँ रह गया 5, इधर 10 हो गया, 10 से एक हासिल वहाँ चली गई, यहाँ रह गया 9, यहाँ रह गया 9 और यहाँ हो गया 10, इससे एक हासिल उधर जाएगी तो यहाँ रह जाएगा 9 और इसके पास हो जाएगा 10। इस तरह से ये हासिलों का पूरा विवरण हमने लिख लिया है। अब हमें केवल इसमें घटाव करना है, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, और 5 में से 4 गया 1। इस प्रकार से ये घटाव का सवाल भी पूर्ण।